हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 10th of July 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर का एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेगा मार्जर को लेके एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है। देखते ही देखते ये 30-35 रुपये वाला शेयर 6 महीने बाद आज की डेट में 60 रुपये के ऊपर मिल रहा है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर थोड़ा सा कवर करेंगे न्यूज़ को, उसके बाद आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है 10th of July 2021 और आज से ठीक 6 महीने पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो मैं पोस्ट किया था। करीबन 6,500 की आसपास लोग देखा भी था ये वीडियो को इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। तब शेयर प्राइस चल रहा था, देखिए 40 रुपये का स्टॉक था, राइट, 40 रुपीज़ ऑनली। और उसके पहले से मैं आपको इसके अंदर खरीदारी करने का राय दिया था, जिसके कारण यहाँ पे मैं क्लियर कट मेंशन किया कि टारगेट अचीव। और उस टाइम पे जो टारगेट मैंने दिया था, फ्रेश टारगेट देखिए 55 रुपीज़ का, और जब मैं ये पोस्ट किया था उसके ठीक 2-3 महीने बाद ही इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये टारगेट क्रॉस करके आज की डेट में तो दोस्तों ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों, आज की डेट पर आप देखिए ये शेयर प्राइस करीबन आपको 65 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जब IPO आया था नवंबर के टाइम पर लिस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे दोस्तों ये शेयर आपको डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। जो IPO में प्राइस रखा गया था उससे काफ़ी नीचे प्राइस में लिस्ट हुआ था। तब लोग सेल कर रहा था, मतलब कोई खरीदे ही नहीं रहा था। तब मैं बार बार बोल रहा था कि देखिए, मैं बोलता हूँ कोई भी कंपनी के खरीदारी करने के अंदर तो मैं पहले फंडामेंटल देखता हूँ कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फंडामेंटल अगर स्ट्रांग हो गया तो वो आज नहीं कल तो भागेगा ही भागेगा। अगर हम बात करें, देखिए एक साल का, तो एक साल तो पूरा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 8 महीने हुआ है। तो देखिए 8 महीने पे डबल कर दिया आपका पैसा, 98% के आसपास रिटर्न दिया है। और शेयर प्राइस देखिए एकदम रैपिडली आपको ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। कुछ दिन पहले ही 70 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इक्विटस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका 2 स्टॉक ऑलरेडी मार्केट के ऊपर लिस्ट है। इक्विटस होल्डिंग, जो कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही एक जो पेरेंट कंपनी है, एंड उसके साथ साथ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है जो कि इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटी होल्डिंग दोनों ही शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, बेसिकली एक मार्जर के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज़ का अपडेट है आज की डेट पे 10th of July 2021 3:30 बजे का एकदम गर्मा गर्म रिसेंटली न्यूज़ का हेडलाइन आपके सामने है। दोस्तों देखिए, इक्विटस रिसीव्स RBI's अप्रूवल फॉर स्कीम ऑफ amalgamation। amalgamation मतलब यहाँ पे मर्जर की बात बोला जा रहा है। जैसे कि दो कंपनी लिस्टेड है ऑलरेडी, इक्विटस का इक्विटस होल्डिंग एंड इक्विटस स्मॉल फाइनेंस में, ये दोनों ही कंपनी का अभी मर्जर होगा, एक कंपनी हो जाएगा। तो इसका फायदा दोस्तों दोनों ही कंपनी को होगा। चलिए नीचे चल के देखते हैं कि क्या न्यूज़ लिखे जा रहा है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑन 10 जुलाई, मतलब आज की डेट पर इन्फॉर्म किया है दैट इट हैज़ रिसीव्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल फॉर स्कीम ऑफ amalgamation, इट सेट रेगुलेटरी फाइलिंग। ये BSE के ऊपर ही नोटिस भेज के हमें बताया है, इन्फॉर्म किया है। तो आज की डेट पे ये RBI ने ये अप्रूवल दे दिया है। और क्या लिखा हुआ है, चलिए नीचे चल के देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, RBI हैज़ ऑल्सो कन्वेड दैट एनी नो ऑब्जेक्शन इफ एंड वेन गिविंग ऑन द स्कीम ऑफ amalgamation, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, एकदम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। बट साथ में देखिए ये भी लिखा हुआ है कि वुड बी विदाउट प्री जडाइज टू द पावर ऑफ RBI टू इनिशिएट एक्शन इफ लाइसेंसिंग गाइडलाइंस आर वायलेटेड। मतलब अगर जो गाइडलाइन है RBI का उसको अगर मतलब नहीं माना तो यहाँ पे RBI ने फिर से इसके ऊपर एक्शन लेगा। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज़ है कि RBI ने अप्रूवल दे दिया है इक्विटस होल्डिंग एंड इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों कंपनी का मर्जर का, amalgamation मतलब मर्जर का। तो अभी ये मर्जर दोस्तों किस प्रोसेस में होगा, यानी किस स्वाइप रेशियो में होगा या कौन सा प्रोसेस में होगा, वो तो हमें फर्दर इक्विटस ग्रुप के तरफ से हमें फिर से नोटिस भेज के बताएगा। बट फिलहाल इक्विटस शेयर प्राइस, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटस होल्डिंग, ये दोनों ही स्टॉक को अभी डायरेक्टली फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ वजह है। मैं क्यों, लगभग 6-7 महीने पहले जब इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक
डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, तब उसके बावजूद मैं बार बार आपको खरीदारी करने का राय दिया था। इसके पीछे लॉजिक क्या है? बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनना और समझना, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है या वीक है वो तो हम बाद में चलेंगे, बट इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका एडवांटेज क्या है? देखिए, कोई भी अगर बैंक, बड़े बैंक जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोई भी बैंक का कहाँ से मेन रेवेन्यू जनरेट होता है? ब्याज की कमाई, यानी इंटरेस्ट इनकम से। तो कोई भी बड़े बैंक, HDFC बैंक समझ लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेसिकली कॉरपोरेट लोन ज़्यादा बांटता है, कॉरपोरेट लोन, रिटेल लोन दोनों ही बांटता है, बट कॉरपोरेट लोन ज़्यादा बांटता है। कॉरपोरेट लोन में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, डेंजर रहता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों NPA का मात्रा बढ़ने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब कॉरपोरेट लोन बांटा जाता है तो वहाँ पे 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख का लोन नहीं लेता। कॉरपोरेट सेक्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा लोन लेता है, 100 करोड़, 1000 करोड़ का। बट इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका ब्रांच आपको बेसिकली देखने को मिलेगा टाउन, छोटा मोटा टाउन या गाँव के अंदर। तो उस टाइप की जगह पे दोस्तों, जो रिटेल बोलोअर्स मतलब हम और आप जैसे लोग जब लोन लेते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। कोई अगर हो सकता है कोई घर का कागज, या तो कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, या आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप सरकारी नौकरी करते, तो ये सब की बेसिस के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसके कारण इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो NPA का मात्रा बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा कम है, एकदम मिनिमम रहता है NPA। चलिए अब हम बात करेंगे इस ये कंपनी के ऊपर, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक मार्केट कैप के ऊपर बेस करके एक स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि कुछ टाइम पहले इसका मार्केट कैप लगभग 3 से 3,500 करोड़ के आसपास चल रहा था, आज की डेट में 7,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पी वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम है, 19 के आसपास। ROC की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि 10% के ऊपर कितना शानदार तगड़ा ROC है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के ऊपर है, 10 रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, और कुछ दिन पहले ये 70 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई भी टच किया था। दोस्तों अगर हम बात करें इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ का, आप चौक जाओगे, मतलब बड़े टक्कर दे देगा। 10 साल में सेल्स ग्रोथ देखिए 231% का, 5 साल में 51% का, 3 साल में 27% का, कैन यू इमेजिन इस साल में 21% का। टेक प्रॉफिट के अंदर भी आपको सेम ग्रोथ नज़र आएगा, इस साल पे देखिए 58% का, 3 साल में देखिए आप चौंक जाओगे 129% का प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 135% का, और 10 साल में 111% का। दोस्तों ये सब के ऊपर बेस करके मैं आपको बहुत पहले ही बताया था कि इसके अंदर खरीदारी करने के लिए आप अगर कर लिया तो आप तो अभी डबल प्रॉफिट में बैठे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मेन पेरेंट कंपनी है टेस्ट होल्डिंग, उन ये मेन प्रोमोटर, उनके पास ही सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टेक है 81% के ऊपर। उसको छोड़ के देखिए FIIs, DIIs ने काफ़ी खूब माल उठाया, 12% के आसपास DIIs के पास होल्डिंग है, FIIs के पास भी 1% के ऊपर होल्डिंग है, एंड पब्लिक के पास करीबन 4% के ऊपर होल्डिंग है। तो बड़े प्लेयर्स इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा माल उठा के रखे है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का ग्रोथ एकदम सही ट्रैक में चल रहा है, तो आज नहीं तो कल ये जंप मारेगा ही मारेगा, और वैसा ही हुआ। लास्ट डे का यानी फ्राइडे के अगर हम कारोबार की बात करें तो देखिए लगभग 35 लाख के ऊपर शेयर ट्रेडिंग हुआ है, जिसके अंदर हमें डिलीवरी देखने को मिला 30% के ऊपर ट्रेडिंग। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा कि कंपनी नो डाउट अच्छा है, आउटस्टैंडिंग कंपनी, अब आगे बहुत कुछ होगा। तो निवेश करने से पहले आप खुद भी एक बार स्टडी करना, एंड आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। वीडियो को यहीं पे एंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।